प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। क्वाड को लेकर बौखलाया ड्रैगन, कहा चीन को रोकने वाले गठबंधन सफल नहीं होंगे। चीन ने कहा है कि उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्वाड गठबंधन एक उपकरण की तरह है और यह टकराव को तेज करने के लिए जाना बग उठाया गया कदम है जो सफल नहीं होगा। बता दें कि क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। चीन को रोकने वाले गठबंधन सफल नहीं होंगे। चीन का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद है और वह क्वाड गठबंधन का इसके गठन के समय से ही विरोध करता रहा है। क्वाड विदेश मंत्रियों के ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वार्ता शुरू करने संबंधी एक सवाल का जवाब देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, चाइना का मानना है कि क्वाड तंत्र केवल उसे नियंत्रित करने का एक उपकरण है। यह टकराव को भड़काने और अंतर्राष्ट्रीय एकता और सहयोग को कमजोर करने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा, मैं पर जोर देना चाहता हूं कि शीत युद्ध लंबा खींच गया है और चीन को रोकने के उद्देश्य से गठबंधन बनाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। शीत युद्ध की मानसिकता को त्यागे क्वाड देश चीन क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के पहले। झाओ ने बुधवार को कहा था कि चीन विशेष गुट बनाने और टकराव को उकसाने संबंधी किसी भी कदम को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका और अन्य संबंधित देश समय के रुख को समझेंगे, उचित मानसिकता रखेंगे और शीत युद्ध की मानसिकता को त्याग देंगे। क्वाड बैठक में कई मसलों पर बातचीत यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगानिस्तान संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंताओं के बीच क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को मेलबर्न में व्यापक बातचीत की। चीन लगभग सभी विवादित दक्षिण चीन सागर क्षेत्र पर अपना दावा करता है, हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पायने ने मेलबर्न में वार्ता से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से संयुक्त रूप से मुलाकात की।